नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, CGPSC की वेबसाइट पर कल जो है एक न्यू अपडेट आया, उसके बारे में हम डिस्कस जो है करने वाले हैं कि ये जो है न्यू अपडेट किस से एग्ज़ाम से संबंधित है, क्यों आया है, क्या है पूरा मामला। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, कल छत्तीसगढ़ PSC ने एक न्यू अपडेट यानी कि 21 अक्टूबर 2020 को एक न्यू अपडेट जो है जारी किया है। आइए देखते हैं दोस्तों, ये जो अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है 2019 की, उससे संबंधित ये है। फ्रेंड्स, आपको मालूम है ये परीक्षा जो है 5, 6, 7, 8 नवंबर को जो है बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा दोस्तों जो लोग दृष्टिहीन हैं, जिनके हाथ नहीं है, जिनको लिख तो उनके लिए जो है एक लिखने वाले व्यक्ति, वो यानी कि अपने लिए लिखने के लिए कोई भी व्यक्ति ले जा सकते हैं। बस उसके लिए आपको सिविल सर्जन का चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा सहलेखक की सुविधा दी जाएगी। सहलेखक की शैक्षणिक योग्यता 12वीं से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी सहायक लेखक की सुविधा प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सहायक लेखक की 2 पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, सहलेखक के रूप में कार्य करने के संबंध में उसकी सहमति के साथ परीक्षा तिथि के 7 दिन पूर्व संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय से अनिवार्य रीत संपर्क करें। इसमें दोस्तों आप कोई भी डिजिटल चीज़ नहीं ले जा सकते, यहाँ तक कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और दोस्तों, परीक्षा केंद्र के अंदर आप जो है जो आपके केंद्र अध्यक्ष हैं और वीक्षक हैं, उनके जो है निर्देशों का पालन करें, और यदि आप पालन नहीं करोगे तो आपको परीक्षा से जो है निष्कासित भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यू अपडेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी का जो एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित है। दिव्यांगजनों के लिए वैकेंसी ये जो है नोटिफिकेशन है। तो ठीक।